के मतदान के बाद दूसरे चरण के लिए राजनीतिक पार्टियों की जोर आजमाइश जारी है। इस बीच प्रियंका गांधी आज अमेठी पहुंची, उन्होंने 17 ताबड़तोड़ रैलियां की, राहुल गांधी के लिए वोट मांगी। इसी के साथ खास बात यह रही कि उन्होंने लालू यादव और करुणानिधि को अवसरवादी नेता बताया। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद प्रियंका फिर डट गई है अमेठी में भैया राहुल की जीत सुनिश्चित करने के लिए। प्रियंका आज यहां 17 रैलियां करने वाली हैं। प्रियंका ने आज ये भी माना कि 1996 में यूपी में बीएसपी से गठबंधन का नुकसान कांग्रेस को आज तक उठाना पड़ रहा है। क्या आपको भी लगता है कि यूपी में जो टाइप किया, खासकर 1996 में जब बीएसपी के साथ टाइप किया गया था, कांग्रेस को केवल 25 सीटें मिली थी, वहीं से कांग्रेस का डिबेकल? जी बिल्कुल, मुझे लगता है। राहुल के चुनाव क्षेत्र पर नजर रखने के साथ ही प्रियंका देश भर में कांग्रेस से जुड़ी हर खबर पर निगाह रखे हुए हैं। यही वजह है कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराए जाने के लालू के बयान और करुणानिधि के एलटीटीई चीफ प्रभाकरन के समर्थन के लिए उन्होंने इन दोनों नेताओं को अवसरवादी करार दिया। Well, it's election time and it's politics and I think everybody, the people of India know. प्रियंका गांधी ने अपनी जनसभाओं में विकास का मुद्दा रखा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 5 साल काम किया है, उनको 5 साल का और मौका चाहिए। ये तो साफ है कि राहुल गांधी यहाँ से जीतेंगे, लेकिन प्रियंका ने कहा जीत के साथ साथ उनको वोट बैंक भी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन प्रियंका को कितने ज्यादा वोट मिलेंगे, राहुल गांधी कितने वोटों से जीत पाएंगे, इसके लिए अभी उनको इंतजार करना होगा। मोहसिन हैदर, इंडिया टीवी, अमेठी। बाबरी मस्जिद टूटने में कांग्रेस की भूमिका को लेकर दिए गए लालू प्रसाद के बयान के बाद बिहार में आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। बिहार कांग्रेस के नेताओं ने अपने केंद्रीय नेतृत्व से लालू प्रसाद को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने और बिहार सरकार से भागलपुर दंगे में लालू प्रसाद की भूमिका की जांच की मांग की है। लालू ने अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने को लेकर कांग्रेस को दोषी ठहराया तो पार्टी का सब्र भी जवाब दे गया। बिहार कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से लालू को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है। यही नहीं, पार्टी ने भागलपुर दंगों के दौरान लालू यादव की भूमिका की जांच की भी मांग की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से अनुरोध करेंगे कि लालू प्रसाद और रामविलास पासवान जैसे गैर जिम्मेदार बयान देने वाले लोगों को मंत्रिमंडल में बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। भागलपुर दंगों के बारे में कांग्रेस की मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर पार्टी इस बारे में उन्हें कोई ज्ञापन देती है तो इस पर विचार किया जा सकता है। इस संबंध में राज्य सरकार को तथ्यों और तर्कों पर आधारित कोई कार्य अगर अनुरोध पत्र प्राप्त होगा तो उसकी बाजाप्ता नियमानुकूल हम उस पर गौर करने का निर्देश देंगे। वहीं मंत्रिमंडल से हटाने की बिहार कांग्रेस की मांग से लालू बेपरवाह नजर आ रहे हैं। लालू का कहना है कि वो किसी की कृपा से नहीं बल्कि अपने जन समर्थन के बल पर मंत्रिमंडल में हैं। इसको वजह से थोड़ी मंत्री। बिहार में कांग्रेस का भले ही कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस कई सीटों पर नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है। यही कारण है कि लालू यादव की नाराजगी बढ़ गई है और वे कांग्रेस के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। वरुण गांधी ने चुनाव आयोग को लिखी है एक चिट्ठी। ये चिट्ठी वरुण ने अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लिखी है। वरुण को अंदेशा है कि चुनाव के दौरान हो सकता है उन पर आतंकी हमला। वरुण गांधी 22 अप्रैल को पीलीभीत से अपना नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है। वरुण के मुताबिक खुफिया एजेंसियां भी उन पर आतंकी हमले की आशंका जता चुकी हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं। वरुण ने कहा कि वो एक सच्चे देशभक्त की तरह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए देशद्रोही तत्व उनकी जान लेने के फिराक में हैं। वरुण की मौसी अंबिका शुक्ला ने भी इंडिया टीवी के साथ खास बातचीत में वरुण की सुरक्षा पर चिंता जताई थी। हमने बार बार होम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पॉलिटिकल कंसिडरेशन को छोड़ के वो गृह मंत्री की तरह रिस्पॉन्ड करेंगे और अपने ही खैर परसेप्शन के मुताबिक उसकी जरूर सिक्योरिटी बढ़ाएंगे। वरुण इससे पहले चुनाव आयोग से पीलीभीत के डीएम और एसपी को बदलने की मांग भी कर चुके हैं। वरुण का आरोप था कि ये अधिकारी उनके खिलाफ पूर्वाग्रह के आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं। वरुण 22 तारीख को पीलीभीत से नॉमिनेशन फाइल करेंगे।
आईबी की रिपोर्ट में वरुण पर आतंकी हमले की संभावना जताई गई है। ऐसे में वरुण चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा को अपग्रेड किया जाए। संजीव कुमार सिंह, इंडिया टीवी, दिल्ली। मंत्री नारायण राणे के चचेरे भाई का पहले अपहरण, फिर उसके बाद हत्या से महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मच गया है। अंकुश राणे का 2 दिनों पहले अपहरण हुआ था, फिर उसके बाद उनकी लाश अधजली अवस्था में पाई गई। अंकुश राणे का शव मुंबई गोवा हाईवे पर मिला। शव का चेहरा जला हुआ था, इसलिए शिनाख्त में काफी वक्त लगा। अंकुश राणे शुक्रवार को चुनाव प्रचार से लौटते वक्त लापता हो गए थे। उनके घर के नजदीक खून के धब्बे मिलने से साफ हो गया था कि अंकुश को अगवा किया गया है। नारायण राणे ने शिवसेना पर अंकुश को किडनैप करने का आरोप लगाया। जवाब में संजय राउत ने इन आरोपों का खंडन किया। अंकुश राणे की हत्या होने के बाद सिंधुदुर्ग इलाके में तनाव फैल गया है। यही वजह है कि सिंधुदुर्ग में शिवसेना के कार्यकारी प्रमुख उद्धव ठाकरे की रैली के दौरान सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए गए। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी है। सिंधुदुर्ग रत्नागिरी सीट से नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनका मुकाबला शिवसेना के सुरेश प्रभु से है। अंकुश की हत्या का राज क्या है? कहीं इस हत्या के पीछे सियासत तो नहीं? आखिर किसने और क्यों ये हत्या की? इन सवालों के जवाब ढूंढने में पुलिस जुट गई है। संदीप चौधरी, इंडिया टीवी। देश में इन दिनों चुनावी माहौल बना हुआ है और ऐसे में हर नेता किसी न किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को अपने प्रचार के लिए मैदान में उतार रहे हैं। और ऐसा ही कुछ किया बिग बॉस के कंटेस्टेंट रह चुके और कांग्रेस के उम्मीदवार संजय निरुपम ने, जिन्होंने बिग बॉस की पूरी टीम को अपने प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया। काफी अच्छे इंसान है, काफी काम कर चुके हैं ऑलरेडी, काफी एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में, इसलिए हम उनको सपोर्ट करने आए। काफी यंग है, डेयरिंग है, यूथ है। आई विश ऑल द बेस्ट। आई एम हियर। काफी डेयरिंग है, एक यंग जो ब्लड होता है वो हमेशा लड़ने के लिए भी तैयार रहता है, तो मुझे लगता है वो भिड़ने के लिए तैयार है। मैं खुद भी ऐसी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यू नो संजय जी को परफेक्ट तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। संजय जी लाइक अ फैमिली टू मी नाउ। डेफिनेटली मेरे बुरे वक्त में उन्होंने मेरा साथ दिया था, उस वक्त में जब कोई साथ नहीं दे रहा था। आज मेरा फर्स्ट वक्त है कि मैं उनके लिए आऊँ। पहली बार है कि मैं किसी रैली में आती हूँ। संजय जी तो के लिए एनी टाइम, क्योंकि हम लोग साथ में रहे हैं। ही लाइक अ फैमिली मेंबर। और जब भी लाइफ में कोई भी बार आया फ्रॉम बिग बॉस हाउस, तो संजय जी पहले हम खड़े थे ग्रीट करने के लिए। एंड ही बीन देयर विद अस। अंदर भी रह के उन्होंने कितने लोगों को मदद की, सबको मदद की। अब देखना ये है कि एक और जहां पे सलमान खान चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हैं, तो ऐसे में बिग बॉस की ये टीम संजय निरुपम को कितनी जीत दिला पाएगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। मनीषा दुबे, इंडिया टीवी, मुंबई। चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए टॉप 10 रिपोर्टर चुनाव स्पेशल।